गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास फिफ्थ में हमारा चैप्टर वन चल रहा था, जिसमें हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि हाउ डज योर मदर रिकॉग्नाइज यू इन क्राउड, कि आपकी मदर आपको कैसे क्राउड में पहचानेगी। तो ये आई थिंक चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट जो पेज है इसमें आपको राइट द करेक्ट आंसर वो देख लेते हैं, ठीक है। आई थिंक जो भी मैंने क्वेश्चन आंसर कराए थे वो आपने किए होंगे नोटबुक में, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बने थे 11-12 जितने भी थे, अब वो आपको क्वेश्चन आंसर क्या है स्कूल में आके एक दिन आके सबमिट कराने, चेक कराने, ठीक है। और उनको लर्न भी करना है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है। टेस्ट करके आपको उसको नोटबुक में ही नोट करके आपको स्कूल में सबमिट कराना है। तो होमवर्क पहले चेक कराइए, उसके बाद जब टेस्ट होगा यानी नेक्स्ट वीडियो में आपका टेस्ट लूँगा मैं, तो उससे पहले आपका चैप्टर फर्स्ट को कम्प्लीट लर्न कर लीजिए तरीके से, ठीक है। यानी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी ईवीएस में, उसका उसमें आपका चैप्टर फर्स्ट का टेस्ट होगा, और टेस्ट देना एकदम मैंडेटरी है, ठीक है। और देने के बाद आपको स्कूल में आकर सबमिट कराना, उसी चीज़ आपको ऑनेस्टली देना है। ये नहीं कि आप टेस्ट क्वेश्चन लिख लिए आपने और कॉपी में से नोटबुक में से कॉपी करके दिखा दिए मेरे को, जब आप स्कूल में सबमिट कराने आओगे तो मुझे अगर डाउट लगा तो मैं आपसे वो सुन भी सकता हूँ, ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन सुन सकता हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर में कोई इतना था नहीं, इतना हार्ड था नहीं, कोई इजी सा चैप्टर था। अब इसमें देखिए पेज नंबर 8 पे पहला है कि द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज इनहेरिटेंस, ठीक है, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जेनेटिक्स ट्रांसफर होते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। सेकंड आपका राइट द नेम ऑफ एनी टू साइंटिस्ट हु वर्क इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, यानी आपके दो साइंटिस्ट के नाम लिखने हैं जिन्होंने जेनेटिक्स की फील्ड में अपना काम किया। तो उसमें हमने पढ़ा था पहले, एक तो पढ़ा था जॉन मेंडल, ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा था जिसके बारे में डॉक्टर डकिन खुराना, डॉक्टर हर्ष गोविंद खुराना, ये दो साइंटिस्ट के नाम हो गए। थर्ड में आपको टिक करके ट्रांसफर करना है कि फ्रॉम वेयर डू वी गेट द जेनेटिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हम उनको जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से मिलती है। पहला ग्रैंड पेरेंट्स से, जो पैटर्नल होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स पैटर्नल, या फ्रॉम पेरेंट्स या फ्रॉम ऑल अदर, तो हमें तीनों से मिल सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, दादा दादी से भी मिल सकते हैं और अपने फादर से मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, व्हाट इज योर रिलेशन विद योर मदर सिस्टर, आपका आपकी मदर की सिस्टर के साथ क्या रिलेशन है, जिसमें आप लिख सकते हैं मासी, मासी होती है ना आपकी, जैसे हमारी सिस्टर, हमारी मदर की सिस्टर होती है, इसको हम बोलते हैं मैटरनल आंट, आपका मासी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंस है, वो हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, इससे पहले जो टॉपिक्स में थे हमने बुक में से क्वेश्चन किए थे वहाँ पर हमने इसको मेंशन कर रखा है, ये करने की जरूरत नहीं है आपको दोबारा, क्योंकि ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब है आपको पूरा तरीके से इसको कंप्लीट करना है नोटबुक में और लर्न भी करना है। माइग्रेशन ऑफ फैमिली, अभी हमने फैमिली के बारे में पढ़ा, अब माइग्रेशन ऑफ फैमिली क्या होता है, यानी फैमिली जो एक साल से दूसरे स्थान चली जाती है, शिफ्ट हो जाती है गांव से शहर, वो ऐसा क्यों होता है, माइग्रेशन होने का क्या कारण है, तो वो देखेंगे पेज नंबर 9 पे, सभी बुक में देखेंगे। देर आर मेनी फैमिली विच माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी यहाँ पर काफ़ी सारी फैमिली है जो माइग्रेट हुई है वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर, ठीक है, सब बुक में देखेंगे पेज नंबर 9 पर, ऊपर ही पर स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं हम, तो बुक में ध्यान होना चाहिए सबका। पहला लाइन है कि देयर आर मैनी फैमिलीज विच माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कई सारी फैमिलीज हैं जो माइग्रेट होती है वन प्लेस से दूसरे प्लेस, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर। वन सच फैमिली इज संतूस फैमिली, ऐसी एक फैमिली है जिसका नाम है संतूस फैमिली, संतू की फैमिली है। संतूस फैमिली लिव्ड इन अ विलेज एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन वॉज एग्रीकल्चर,
यानी संतु की जो फैमिली वो गांव में रहती है और उनका जो मेन काम है वो एग्रीकल्चर खेती का है। बट इस फैमिली हैड टू फेस अ बिग ट्रबल ड्यू टू ड्रॉट इन देयर विलेज। लेकिन उनकी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखनी पड़ी कब, जब उनके गाँव में सूखा पड़ गया। फॉर द लास्ट टू ईयर दे डिड नॉट इवन हैव सफिशेंट फूड टू इट। पिछले दो साल से उनके पास इतना भी खाना नहीं है पर्याप्त मात्रा में कि वह प्रॉपर खा सकें। दैट इज वाई संतु माइग्रेट टू हिज नेफ्यू विलेज विद हिज फैमिली एंड कैटल्स। तो संतु ने क्या किया, वो अपने जो पड़ोसी का जो विलेज था, यानी पड़ोस का जो विलेज था, गाँव था, वो वहाँ पर अपने फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ और अपने जो कैटल मवेशी थे उसके, उनको लेकर वहाँ चला गया। देयर ही अरेंज फॉर अ स्मॉल अकोमोडेशन ऑन रेंट एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम ऑक्यूपेशन। तो वहाँ पर उसने रहने के लिए कुछ किराए पर लिया, ठीक है, और वहाँ पर फिर अपने जो वहाँ का जो काम है, इंजीनियर काम की तलाश में वो ढूंढने के लिए चला गया। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद ही गॉट वर्क देयर एंड देयर फॉर ही स्टार्टेड लिविंग इन दैट विलेज विद हिज फैमिली। यानी कुछ दिनों के बाद उसको वहाँ पर काम भी मिल गया और फिर वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहना स्टार्ट कर दिया। However, it was not at all easy for him to live there. यद्यपि ये इतना आसान नहीं था वहाँ पर रहना, क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव में आते हैं, फिर वहाँ पर सेटल होना, वर्क ढूंढना, काम ढूंढना, ठीक है, फिर वहाँ पर रहना, ये सब इतना ईजी नहीं होता है। Soon he started missing his own village. जल्दी ही उसे अपने गांव की, जो उसका एक्चुअल गांव था, जो उसका रियल गांव था, उसको इसकी याद आने लगी। He got news that there was a very good rain in his village this year. तो उसको कहीं से ये न्यूज़ मिली कि उसके गांव में इस साल अच्छी बारिश हो गई है। Therefore he took his family and cattle with him and returned to his own village. फिर क्या किया उसने, जब उसको ये न्यूज़ मिली कि उसके गांव में अच्छी बारिश हो गई है, तो उसने क्या किया, उसने अपने मवेशी लिए, जो उसके मवेशी थे और उसके जो फैमिली थी, उन सबके साथ वापस अपने गाँव, पुराने गाँव चला गया। अब थिंक एंड राइट आंसर है, अब वही आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे तो वो हम लास्ट में करेंगे। पहला कि वाट आर द प्रॉब्लम विच संतु मस्ट हैव फेस्ड इन द विलेज आफ्टर माइग्रेशन, यानी जब संतु एक गांव से दूसरे गांव में जब आया तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम हुई। इफ देयर इज एनी फैमिली और रिलेटिव विच माइग्रेट टू सम अदर प्लेस और सेटल इन योर एरिया आफ्टर माइग्रेशन फॉर सम अदर प्लेस, देन कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। अगर आपके आसपास कोई ऐसी फैमिली है जो माइग्रेट हुई है, यानी कहीं और से वो शिफ्ट हुए हैं आपके यहाँ, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम आई है वो उनसे डिस्कस करना है, ठीक है, तो वो हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, धीरज हैज ए सन एंड ए डॉटर। की धीरज की एक लड़का और एक लड़की है। ही वॉज वर्किंग इन ए विलेज ऑन द बेसिस ऑफ डेली वेजेस, यानी वो गांव में काम करते हैं डेली वेजेस पे, जो डेली काम होता है उस पर वो काम करते हैं। हिज सन वॉज स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड एंड हिज डॉटर वॉज इन 10th स्टैंडर्ड। उसकी जो सन है लड़का वो 12th क्लास में और उसकी जो डॉटर है वो 10th स्टैंडर्ड में। When his son passed the senior secondary examination, जब उसकी son ने मतलब जब उसके लड़के ने senior secondary यानी 12th class pass कर ली, then धीरज decided to send his son to the city for his higher study. तो धीरज ने यानी उसके father ने decide किया कि इसको आगे की पढ़ाई के लिए हम कहाँ भेजेंगे, शहर में भेजेंगे। Next page पे आएंगे हम, page number 10. He thought that if his son went to live in the city away from his family for studying, तो उसने सोचा क्या कि अगर उसका बेटा अपने गांव से दूर शहर में जाकर रहेगा पढ़ाई करने के लिए, देन द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज। तो जो खर्चा है फैमिली का वो बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर बाहर शहर में आप रहने जाओगे तो वहाँ रहने का किराया, ठीक है, रेंट, फिर पढ़ाई करते हो तो उसका खर्चा, बुक्स का और सब, और फिर खाने पीने का खर्चा, वो सब बढ़ जाता है। तो उसके बाद ने ये सोचा कि अगर मैं अपने बच्चे को बाहर शहर में भेजता हूँ तो हमारी जो फैमिली का खर्चा है वो बढ़ जाएगा। And when his daughter complete her school education after 2 years, और जब उसकी daughter यानी अभी 10th में जब 2 साल बाद वो 12वीं पास कर लेगी, 12th class पास कर लेगी, then he will have to send her also. तो वह उसको भी बाहर भेजेगा to the city for her higher education. तो वो उसको भी कहाँ भेजेगा, शहर में भेजेगा, मतलब आगे की पढ़ाई करने के लिए। Therefore he decided that as he was working on daily basis in his village, he will migrate with his family to the city and do the similar work देर आज। तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर शहर चला जाता हूँ और जो वर्क यहाँ करता हूँ डेली वेज पर ऐसे ही वहाँ पर कोई भी वर्क कर लूँगा और मैं सिटी में जाकर यानी शहर में जाकर शिफ्ट हो जाता हूँ। व्हेन ही मूव टू द सिटी, और जब वह सिटी की तरफ मूव हो गए एंड चले गए, ही फेस ए लॉट ऑफ ट्रबल इन गेटिंग अ हाउस ऑन रेंट। तो उनको वहाँ जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई, यानी शहर में जाने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि उनको हाउस चाहिए था रेंट पर रहने के लिए, क्योंकि बिना हाउस के वो नहीं रह सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए रहने के लिए, ठीक है, घर चाहिए, और वहाँ शहरों में घर क्या मिलता है, रेंट पर
मिलता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। एज द रेंटल चार्ज इन द सिटी आर वेरी हाई, और क्या होता है कि शहरों में जब आप जाओगे तो वहाँ का जो किराया होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ही टुक ए रूम ऑन रेंट फॉर अवे फ्रॉम द मेन सिटी, तो उसने क्या सोचा कि उसने एक रूम लिया जो सिटी से दूर था। अगर सिटी में मेन सिटी में लेते हो तो आपको वो रूम महंगा पड़ता है, जबकि आप सिटी से थोड़ा आउटसाइड में लेंगे तो वो रूम आपको सस्ता पड़ जाएगा। तो उसने क्या किया, सिटी से थोड़ा दूर रूम लिया। हिज फैमिली मेंबर्स हैड टू अकोमोडेट देमसेल्फ इन दैट रूम फॉर ऑल देयर एक्टिविटी लाइक लिविंग टुगेदर, स्लीपिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। तो उसकी फैमिली ने उसी रूम में सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया, रहना, खाना पीना, ठीक है, सोना, वो सब उसी रूम में ही उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। हिज नेबर वर ऑल्सो न्यू फॉर हिम, ही हैड टू मेक मोर एफर्ट फॉर डेली लेबर, यानी उनके जो पड़ोसी थे वो भी नए थे, क्योंकि वो वहाँ पर नए आए थे, जो उनके पड़ोसी भी थे वो भी उनके लिए एक तरीके से क्या नए थे। द एक्सपेंस ऑफ लिविंग वर वेरी हाई इन द सिटी, दैट इज वाई ही स्टार्टेड वर्किंग एज ए लेबर ड्यूरिंग डे टाइम एट नाइट। तो उसने क्या किया कि शहरों में रहना तो वहाँ पर जो खर्चा होता है वो महंगा होता है, तो उसने क्या किया डेली वेज पर दिनों रात यानी नाइट और डे दोनों टाइम काम करना स्टार्ट कर दिया। ही यूज टू वर्क एज ए गार्ड टू अर्न मोर, यानी उसने एक गार्ड की नौकरी कर ली और कमाई करने के लिए। बट ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ हायर स्टडी फॉर हिज चिल्ड्रन, बट उसने डिसाइड कर रखा था कि जब मेरे बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब मैं अपने वापिस अपने गांव शिफ्ट हो जाऊंगा। यू मस्ट हैव नोटिस इन योर सराउंडिंग दैट देर आर मेनी स्टूडेंट हु हैव टू लीव देयर होम फॉर हायर एजुकेशन, देखा होगा आपने अपने आस पास भी सिटियों में क्या होता है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े कॉलेज हैं तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, तो वो बाहर से जब पढ़ाई करने आते हैं तो वो यहाँ पर क्या रूम लेते हैं रेंट पे, और रूम पे रेंट पे लेकर फिर यहाँ पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। दे लिव इन हॉस्टल और अरेंज रूम फॉर रेंट फॉर देयर स्टडी, कई लोग क्या करते हैं रूम लेके रहते हैं और कई लोग क्या करते हैं हॉस्टल में ही रहना स्टार्ट कर देते हैं। आगे पॉइंट फॉर डिस्कशन, अभी इसमें भी क्वेश्चन आंसर है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आगे है गोविंदा राम एंड हिज फैमिली लिव इन जनियाना विलेज, गोविंदा राम और उसकी फैमिली जनियाना विलेज में रहती है। ही हैड ए स्मॉल जनरल स्टोर, उनके पास एक स्मॉल छोटी सी दुकान है जनरल स्टोर। द अर्निंग फ्रॉम द शॉप वर ओनली सफिशिएंट टू फुलफिल बेसिक नीड ऑफ हिज फैमिली, तो जो शॉप से उनकी कमाई होती है उनसे उनकी बस बेसिक नीड है वो जरूरत पूरी हो जाती है। हिज सन वर ग्रोइंग अप ग्रेजुअली, उसका जो लड़का था बड़ा हो रहा है। वन डे गोविंदा राम कजिन विजिटेड हिज प्लेस एंड ही टुक बोथ हिज सन विद हिम टू वर्क इन हिज शॉप इन द सिटी, तो एक दिन उनका कोई कजन आया हुआ घर पर तो उसने क्या किया उनके दोनों बेटों को वो अपने साथ शहर पर ले गया दुकान में काम करने के लिए। एज टाइम पास, जैसे वक्त गुजरा, गोविंद राम सन चंदाराम वॉन्टेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, तो उसके जो लड़का था चंदाराम उसने सोचा कि मैं खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा। फॉर दिस वे हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम लाइक शॉर्टेज ऑफ मनी, हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम लाइक शॉर्टेज ऑफ मनी एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर स्पेस एक्सेट्रा। अब कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करता है तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि पैसे का ना होना और जहाँ पर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो वहाँ पर प्रॉपर स्पेस होना, तो उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई। बट दे डिडंट गिव अप, बट उसने हार नहीं मानी। देयर रिलेटिव हेल्प देम एंड सून देयर बिजनेस स्टार्टेड गिविंग देम गुड रिटर्न्स, और जल्दी ही उसके रिलेटिव ने भी उसकी मदद की और जल्दी उसका बिजनेस अच्छे से स्टार्ट हो गया और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। दे कॉल देयर फैमिली टू लिव विद देम इन द सिटी, तो उसने अपनी फैमिली को बोला कि आप लोग भी सिटी में आकर अब मेरे साथ रह सकते हैं। लिविंग टुगेदर देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स स्टार्ट स्टडिंग इन द सिटी, अब साथ में रहते रहते हैं उनके जो भाई थे और उसकी जो बहन थी दोनों ने भी वहाँ पर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। टुडे दे आर वेल सेटल इन द सिटी रनिंग देयर बिजनेस, और आज वे लोग अच्छा सेटल हैं सिटी में और उनका जो बिजनेस है वो अच्छा खासा चल रहा है। बट दे स्टिल मिस देयर पैटर्नल विलेज, लेकिन वे आज भी अपने फादर के गाँव को जहाँ पर वो पहले रहते थे उसको मिस करते हैं। दे विजिट देयर विलेज ऑन स्पेशल ओकेजन, और वे क्या करते हैं जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है, जो कोई भी त्यौहार होता है जैसे दिवाली, होली, रक्षाबंधन कुछ हो गया, तब वह उस टाइम वहाँ पर जाते हैं, मतलब रहने के लिए वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने तीन फैमिली के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, इसमें बताया कि किस तरीके से फैमिली माइग्रेट होती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है जब आप माइग्रेट करते हैं यानी एक स्थान से दूसरे स्थान यानी गांव से शहर जाते हैं, तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम आती है वो सब हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसने वो कहाँ से कहाँ माइग्रेट हुई वो सब देखेंगे, और इसके क्वेश्चन आंसर जब ये चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन आंसर कुछ ज़्यादा ही हैं, ठीक है, तो जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके क्वेश्चन आंसर भी हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और साथ साथ में इसको पढ़ते रहिए क्योंकि इसकी जो चैप्टर की लैंग्वेज है बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आपको आसानी से आ जाएगी समझ में, बट ये है कि साथ साथ में रीड करते चलिए जब भी आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट फैमिली जो भी इसमें दी होगी उसको डिस्कस करेंगे और इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।
कि क्या क्या इसमें और टॉपिक है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।